और बात करेंगे एक और सियासत की। सियासत है पहलवानों के धरने में और क्या हाईजैक हो गया है दिल्ली में के जंतर मंतर पर चल रहा पहलवानों का धरना। ये आज का हमारा सवाल है दरअसल कि राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ खिलाड़ियों के चल रहे धरना प्रदर्शन का बदलने लगा है रंग ढंग, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ सियासी दलों ने उसको हाईजैक कर दिया। सियासी दलों और आंदोलनजीवियों ने खिलाड़ियों के धरने को राजनीतिक लाभ लेने का मंच बना दिया और एक के बाद एक वहां सियासी दल और वहां के उनके नेता पहुंच रहे हैं। इन खिलाड़ियों ने पहले अपने आप को धरना प्रदर्शन से और राजनेताओं से कोई इससे दूर रखा था अपने धरने प्रदर्शन को। दरअसल अब इन खिलाड़ियों ने कई नेताओं को शामिल कर उनको दे दिया है अपना मंच। अब तो कुछ खाप पंचायतें और कुछ किसान संगठन भी जंतर मंतर पर लगाने लगे हैं जमावड़ा। आज संयुक्त किसान मोर्चा की भी एक वहां पर जमावड़ा लगा है किसानों का। दिल्ली एनसीआर झेल चुका है शाहीन बाग घेराव और दिल्ली बॉर्डर घेराबंदी का दंश। आपको याद होगा पिछले साल की बात है, कभी CAA NRC तो कभी कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर बनाया जाता है दिल्ली NCR बंधक। आखिर क्यों इन सभी आंदोलनों में कई चेहरे नजर आते हैं सभी जगहों पर, एक ही तरह के चेहरे हैं, कुछ चेहरे हैं जो बार बार हर आंदोलन में आते हैं और इसीलिए उनको आंदोलनजीवी कहा जा रहा है। अब जंतर मंतर पर इन आंदोलनजीवियों का स्वागत किया जाता है लेकिन PT ऊषा जैसी खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी की जाती है, तो ये बात समझी जा सकती है। इस बीच प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने देश के लिए खेल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो यहां धरने पर बैठे हुए। खेल सरकार ने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए चलाए हैं कई सफल कार्यक्रम, चाहे वो खेलो इंडिया हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी गेम्स हो या फिर जो टॉप्स स्कीम है उसकी बात करें। लगातार सरकार जो है वो खेलों को बढ़ावा दे रही है। सरकार द्वारा सुविधा और संसाधन देने से भारत के प्रदर्शन में काफी सुधार आया है लेकिन प्रदर्शनकारी खिलाड़ी मेडल को निजी उपलब्धि बताकर कर रहे हैं इसे लौटाने की बात। ये भी एक बड़ी संजीदा बात है कि मेडल को लौटाने की बात कर रहे हैं। क्या करोड़ों रुपए भी वापस करेंगे, कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं। खिलाड़ियों के प्रदर्शन की वजह से, प्रदर्शन लंबा खींचने की वजह से देश में खेल और युवा खिलाड़ियों को हो रहा है भारी नुकसान। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन को कुछ राजनीतिक दलों ने हाईजैक कर लिया है। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम जो वहां नेता पहुंच रहे हैं, जो उनका उनका जो बातचीत करने का अंदाज है उसको हम आपको सुनाते हैं। कुछ दिन पहले राकेश टिकैत, किसान आंदोलन के दौरान ये नाम आपने बहुत सुना होगा, किसान नेता राकेश टिकैत ने किस अंदाज में बात की, ऐसा लग रहा है जैसे वो धमका रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। वे ट्रैक्टर कहीं चले गए, वे किराए के थे, वे 4 लाख ट्रैक्टर किराए के थे क्या? देखा नहीं था क्या, क्या कर सके? देखा था ना, 10 साल बाद में ट्रैक्टर का टैंक बन जाता है। वे ट्रैक्टर कहीं किराए के नहीं थे, वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, 25 लाख आदमी भी यही है। तो ये अंदाज है बात करने का। और ट्रैक्टर और किसानों और आंदोलन के आखिर इस पूरे पहलवानों के धरने में क्या जरूरत है, ये समझने की बात है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो पूरा आंदोलन है ये कुछ राजनीतिक दलों ने और आंदोलनजीवियों ने हाईजैक कर लिया है और जो किसान जो खिलाड़ियों के जो पूरे मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, वो पीछे चले गए हैं। दरअसल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिला, FIR रजिस्टर की गई और अब जांच जारी है। लेकिन खिलाड़ियों का यह मानना है, खिलाड़ियों की यह मांग है कि इस मामले में गिरफ्तारी की जानी चाहिए कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की। लेकिन अब यह मांग जो है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि उसमें जब राजनीतिक दल आ गए हैं तो उन्होंने सरकार के ऊपर निशाना साधना, RSS के ऊपर निशाना साधना और कुछ लोग यहां पर आजादी के नारे भी लगा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आंदोलन जो है खिलाड़ियों का वो ट्रैक से उतर चुका है। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव, आज के दिन की अगर बात करें तो जो खेल है उसको कितना नुकसान है और यह आंदोलन आपको लगता है कि क्या जो खिलाड़ियों की मांग है सिर्फ वहीं तक सीमित रह गया है? निखिल, पूरे प्रकरण को अगर जिस तरह से देखा जाए तो जाहिर तौर पर अगर कहा जाए कि
पहलवानी से देश को काफी मेडल्स आए हैं, ओलंपिक स्तर पे देश ने मेडल्स जीते हैं, जिसमें केंद्र सरकार का भरपूर योगदान रहा हर तरह की, चाहे अगर प्रैक्टिस की बात की जाए, चाहे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की बात की जाए, चाहे विदेशों में ट्रेनिंग देने की बात की जाए, हर वक्त जो केंद्र सरकार जो थी वो हमेशा आगे रही। लेकिन जिस तरह से ये पूरा जो प्रकरण सामने आया, और इसका हमने पहला चरण जिस तरह से देखा था कि जब जनवरी में जिस तरह से यह पूरा हुआ था, तो उस वक्त पे इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट किया गया, पूरी गंभीरता के साथ पहलवानों की बातें सुनी गई, उसके लिए जांच समिति बनी, और जांच समिति में जो पहलवानों ने जो जिसको भी रखने की बात कही तो उसको रखा गया, उनकी बात सुनी गई, और बहुत बेहद आराम के साथ एक पूरी जांच समिति ने पूरे अनुशासन में रहते हुए सारी मुद्दों को सुना और समझा, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट भी भेजी। लेकिन अभी फिलहाल जो दूसरा जो कहना चाहिए जो चरण है इस तरह का, तो उसमें जिस तरह से चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, तो खुद जो खिलाड़ी भी हैं वो भी इस बात को अब मान रहे हैं कि ये जो जो मंच है ये कहीं ना कहीं अब इस पूरे मंच का जो है कि जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है, जिस तरह से हमने खुद देखा कि आज जो थे वो खिलाड़ी जो थे वो पूरे मंच पे दिखाई नहीं दिए, वो खिलाड़ी पीछे थे, और पूरी तरह से कहना चाहिए कि जो संयुक्त किसान मोर्चा अन्य पार्टियों के जो नेता है। जी बिल्कुल बिल्कुल निखिल, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जिस तरह से खुद बजरंग पुनिया ने भी इस चीज को लेकर के पिछले दिनों ट्वीट किया था कि इसको जो हमारा जो हमारी जो मांगे हैं उसका राजनीतिकरण ना हो, उसको किसी तरह से उसको राजनीति का रंग जो है वो ना दिया जाए, लेकिन वो जो है असर जो है वो दिखता नजर नहीं आ रहा है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये जो अब आंदोलन है वो अपनी जो कहना चाहिए कि जो दिशा से जो भटकता हुआ वो दिख रहा है। तो इस वजह से कहना चाहिए कि ये जो है ये काफी जो पहलवान है उनके लिए भी नुकसानदेह, क्योंकि उनकी ये जो फील्ड है वो शायद उनकी ये वो फील्ड नहीं है, उनको अपने प्रदर्शन के आधार पर देश को मेडल दिलाना है, उनको देश को खेल के विश्व मानचित्र पर आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो एक निकल करके जो एक सामने जो इस पूरे प्रकरण का जो चरित्र दिख रहा है वो उस पे काफी ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं अब सवाल उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अन्य पार्टियों के जो नेता हैं वो आकर के जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, साथ में जो किसान नेता हैं वो जिस तरह से पूरे एक इस पूरे मंच को जिस तरह से हाईजैक कर रहे हैं वो काफी गंभीर सवाल उठाता है। जी निश्चित तौर पर गंभीर सवाल उठाता है, सवाल ये पूछे जाने लाजमी है कि आखिर इस आंदोलन में जो लोग ट्रैक्टर लाने की धमकी दे रहे हैं उसके क्या मायने हैं। एक बात और जहन में आती है, और जो शायद बहुत सारे जो खिलाड़ी होंगे उनके जहन में भी होगी कि आखिर इससे खेल को कितना नुकसान, क्योंकि ये सभी का की अभिलाषा होगी कि खेल एक बार फिर से जो कुश्ती के अखाड़े हैं वो फिर एक्टिव हों, राजनीति का अखाड़ा एक्टिव ना हो। बिल्कुल बिल्कुल निखिल, ये बात सबके जहन में है जो यहाँ बैठे हैं, शायद उन जो पहलवान जो बैठे हैं यहाँ पे उनके जहन में भी ये बात है, वो भी अच्छे तरीके से इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी असली जगह जो है वो यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा जो विभिन्न जो उभरते हुए नए पहलवान हैं या जो विभिन्न कोचेस हैं, हमने विभिन्न कोचेस से भी जो है वो बात की थी, तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि इस वक्त क्योंकि अब ये साल जो है वो एशियन गेम्स का है, और उसके बाद अगला साल जो पेरिस ओलंपिक का है, तो इसमें लेकर के तैयारी का जो अलग एक दौर जो है वो होना चाहिए, खिलाड़ियों को अपना जो फोकस है वो पूरी तरह से खेल पे होना चाहिए, लेकिन उस सब की जगह पर इस तरह का जो विवाद आ रहा है, और उस जो सबसे बड़ा जो कारण दिख रहा है कि जिस तरह से जो कहना चाहिए जो किसान मोर्चा के जो जितने भी नेता हैं या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं उसमें वो अपना जो फायदा जो है वो कहीं ना कहीं इसमें अपना देख रही हैं, और उनको शायद खिलाड़ियों के हितों से इतना शायद यहां पे उतना उनका अपना मतलब वो नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरह के वो मुद्दे इस मंच से उठा रहे हैं इसको लेकर के जो एक दृष्टि प्रथम दृष्टिया जो जाता है वो ये दिखाता है कि किस तरह से जो खिलाड़ियों की जो बातें हैं वो पीछे रह गई हैं, और खिलाड़ी जो हैं वो कहीं ना कहीं जो बेबस बिल्कुल नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि खिलाड़ियों की ओर से इस बात को बहुत अच्छे तरीके से सामने भी रखा जा रहा है कि ये मामला जो है वो अलग है,
और इस मामले को इस राजनीति के दृष्टिकोण से बिल्कुल ना देखा जाए। जी बिल्कुल, राजनीति के दृष्टिकोण से बिल्कुल ना देखा जाए। और शायद मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि खिलाड़ियों को अब अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। जो उन्होंने मंच अपना खुला कर दिया नेताओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, मुझे मालूम नहीं कि वो लोग किस तरह से आगे इस पर बढ़ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए गौरव।